जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिहार उद्यमी योजना सरकार के द्वारा 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख अनुदान दिया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं। जो भी लिस्ट जारी किया गया है, जिसका नाम लिस्ट पर आया है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, आप जिसमें फॉर्म भरे थे, अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो आप अवश्य ही 10 लाख का हकदार है। आपको 10 लाख बहुत ही जल्द प्राप्त होंगे और इसके लिए आपको अपने जिला के स्तर पर जाकर ट्रेनिंग देनी होगी और आपके उद्यमी योजना के ऑफिशियल ब्रांच पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बिहार उद्योग उद्यमी योजना के अंतर्गत इतना के लिस्ट जारी किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि बी कैटेगरी में इतना है, ये सब नाम आया है। सी कैटेगरी में अभी नहीं दिया है, लेकिन ए कैटेगरी में देख पाएंगे कि इतना लोगों का नाम आ चुका है। ईबीसी और जनरल सभी को जिसको जिसको मतलब देना होगा वो उसका नाम यहाँ पर लिस्ट पर आ चुका है। जिसका लक उसका साथ दिया है तो उसको अवश्य इस 10 लाख योजना के अंतर्गत लाभ अवश्य मिलेगा सरकार द्वारा। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आपने ठीक से उस समय आवेदन किए थे और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किए थे तो आपको अवश्य मिलेगा, जिसके अंतर्गत ये इसमें लगभग 2 लाख से अधिक लोग इस योजना में आवेदन किया था, लेकिन कुछ ही 8,000 लोगों को ही लिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं और इस योजना के सभी जिसका जिसका हो चुका है उसका लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब इन लोगों को अपने जिला स्तर पर जाकर के ट्रेनिंग देनी होगी और अपने लोन का लाभ ले पाएंगे, जिसमें 5 लाख माफ़ कर दिया जाएगा और 5 लाख ब्याज मुक्त उसे 84 किस्तों में अदा करने होंगे और 25,000 रुपया आपको आपके ट्रेनिंग के अंतर्गत दे दिया जाएगा, यानी 10,25,000 आपको मिलेगा कुल राशि। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार उद्यमी योजना द्वारा सरकार द्वारा दे रहे हैं 10 लाख का लाभ, तो आप इस तरह से अपना लिस्ट कैसे देखेंगे? जैसे कि बिहार उद्यमी लिखे हैं तो इसमें स्क्रीन पर आपको कंप्यूटर में नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करें। फिर क्लिक करने के बाद अपने लिस्ट देखने के लिए न्यूनतम गतिविधियाँ, वहाँ पर जाकर के सभी कैटेगरी दिया गया है, जहाँ पर बी कैटेगरी उसके बाद ए कैटेगरी दिखाया जा रहा है। तो बी कैटेगरी में आप इस प्रकार से लिस्ट को देख सकते हैं। देखिए, आप सभी का नाम आ चुका है इसमें, जिसका नाम आया है इस लिस्ट में वो ये कर दिया गया है, प्रदर्शित कर दिया गया है, एक लकी इंसान है और आपको मिल चुका है 10 लाख। आपका बल्ले बल्ले। बिहार उद्यमी में अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपका लिस्ट आ चुका है, अगर आपने अप्लाई किए थे, आपका नाम आया है या नहीं आया है, आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए आपको बिहार उद्यमी साइट पर जाना पड़ेगा। गूगल पर जैसे ही बिहार उद्यमी लिखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है, बिहार सरकार के बिहार उद्यमी पे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। ये ऑफिशियली बिहार का साइट है और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। जो लोन मिलता है, जिसका लाभार्थी होता है, उसका ए ग्रुप, बी ग्रुप एंड सी ग्रुप में भाग कर दिया गया है। तो हमारा जो है बी ग्रुप में है। यहाँ पे जैसे ही हम बी ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पूरा डिटेल्स आ चुके हैं। यहाँ पे डेट देख सकते हैं 3/1/2023। यहाँ पे देख सकते हैं बी कैटेगरी एंड आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिखा गया है, लिखा गया है यहाँ पे नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका पूरा विलेज, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा सब कुछ डिटेल्स में लिख दिया गया है। जैसे कि हमारा किशनगंज है एग्जाम्पल, हम यहाँ पे किशनगंज आ जाते हैं। किशनगंज का फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। किशनगंज में टोटल 9 बंदे को मिला है, जो लाखों लोग अप्लाई किए थे, इसमें लगभग 3 लाख लोग इसमें अप्लाई किया था, सिर्फ उसमें से 8,000 लोगों को ही मिला है। यानी कि बहुत ही किस्मत में ये लोन मिल चुका है, क्योंकि ये लोन मिलने के बाद आपको बहुत ही आसान सा सिस्टम मिल जाता है। 5 लाख रुपया माफ मिल जाता है और 5 लाख रुपया आपको बिना ब्याज के 84 किस्त में देना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 9 लोगों को मिला है अप्रूवल, बाकी सबको रिजेक्शन मिल चुका है, यानी कि उसका नहीं होगा। जिनको मिल चुका है अप्रूवल, जिनको मिलेगा उन्हें अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या जरूरी है, क्या क्या काम करना है, कितना दिन टाइम लगेगा, हम आपको सारे जानकारी देते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके बाद आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में जिस जिस मतलब डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट किया था,
सभी को जरस करके रखना है और अपने डिस्ट्रिक्ट के उद्यमी ऑफिस पर जा कर के जमा करना होगा और वहाँ से आपको ट्रेनिंग के लिए फ़ोन किया जाएगा। उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा और साथ में आपको 25,000 रुपया भी दिया जाएगा जो कि ट्रेनिंग के लिए दिया जा रहा है। जिनका जिनका लिस्ट आ चुका है नाम, उसको उसका तो बल्ले बल्ले उसका एकदम उसका हो गया है, उसको और कुछ नहीं करना है। अब बाकी बात उसका डॉक्यूमेंट्स ऑफिस पर जमा करना होगा जो कि वहाँ, और जिसका नाम यहाँ पर आ चुका है उसको और कोई काट नहीं सकता है, वो एकदम बिंदास हो गया है और उसको कुछ नहीं ज़रूरत है। बाद में उसको ये ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और ट्रेनिंग में उसको सारी ट्रेनिंग सिखाया जाएगा, किस तरह से बिजनेस करना होगा, किस तरह से क्या सब कुछ वहाँ पर ऑफिस में बताया जाएगा। और आपको एक करंट अकाउंट बनाना होगा जो कि बहुत ही जल्द बनाना होगा। हाँ, GST फाइल वगैरह बना करके सबमिट कर देना होगा। इसके लिए आपको अपने बिजनेस के नाम से ही करंट अकाउंट बनेगा, इसके लिए आपको तुरंत ऑफिशियल वाला फ़ोन करेगा।